भाइयों बहनों, हम विकास की नई ऊंचाइयों पर देश को ले जाना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, आजादी के 70 साल बाद उत्तर प्रदेश में इतनी सरकारें आके गई, इतने सारे प्रधानमंत्री बने उत्तर प्रदेश से, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में करीब करीब 1500-1600 गांव ऐसे हैं जहां पर 21वीं सदी में भी बिजली का खंभा नहीं पहुंचा, बिजली का तार नहीं पहुंचा, बिजली का लट्टू नहीं लगा। क्यों भाई? मेरे उत्तर प्रदेश के उन 1500-1600 गांवों का क्या दोष है कि उनको 18वीं शताब्दी में जीने के लिए मजबूर किया गया? क्या कारण है? भाइयों बहनों, मैंने लाल किले पर से आह्वान किया था पिछले वर्ष, और मैंने कहा था 1000 दिन में हिंदुस्तान के जो 18000 गांव, जिसमें उत्तर प्रदेश के 1500-1600 गांव है, 1000 दिन में मैं बिजली पहुंचा दूंगा। भाइयों बहनों, आज बड़े संतोष के साथ मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों को मैं कहना चाहता हूं, जो 1500-1600 गांव थे उसमें अब 70-72 गांव बाकी रहे हैं, बाकी गांवों में बिजली पहुंच गई, लोगों ने बिजली घरों में लेना शुरू कर दिया। भाइयों बहनों, जो 70-72 गांव बाकी रहे हैं उसमें भी 50 गांव ऐसे हैं जहां कोई लोग ही नहीं रहते, सिर्फ कागज पर गांव का नाम बचा है। एक प्रकार से सिर्फ 20-22 गांव बाकी हैं जिसका काम तेजी से चल रहा है। अगर यहां की सरकार रुकावट न डाले तो वो काम भी बहुत तेज गति से पूरा कर देंगे। ये मैं हिसाब आपको दे रहा हूं।